हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, देश से लेकर प्रदेश तक कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में संकट और ज्यादा गहराने वाला है। ऊपर से लॉकडाउन में रियायत और रेल सेवा फिर से शुरू करने का फैसला कहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग की इतने दिनों की मेहनत पर पानी न फेर दे। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। एक महामारी ने पूरे देश की रफ्तार रोक दी है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के आंकड़े की बात करें तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67,000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में 4,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और करीब 100 लोगों की मौत हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है और चिंताजनक भी। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है, खासकर लॉकडाउन 3 के बाद देश भर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों का आंकड़ा देखें तो 1 मई केस 1,755, मौत 77, डिस्चार्ज 692, 2 मई केस 2,411, मौत 71, डिस्चार्ज 953, 3 मई केस 2,487, मौत 83, डिस्चार्ज 869, 4 मई केस 2,573, मौत 83, डिस्चार्ज 875, 5 मई केस 3,875, मौत 194, डिस्चार्ज 1,399, 6 मई केस 2,680, मौत 111, डिस्चार्ज 1,022, 7 मई केस 3,561, मौत 89, डिस्चार्ज 1,084, 8 मई केस 3,390, मौत 103, डिस्चार्ज 1,273, 9 मई केस 3,320, मौत 95, डिस्चार्ज 1,307, 10 मई केस 3,277, मौत 127, डिस्चार्ज 1,511। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि किस कदर कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आ गया है, जहां अब तक 7,000 से ज्यादा केस है। वही दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में भी कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। सोनीपत में कोरोना ने शतक लगा दिया है। सोनीपत में पिछले 10 दिनों से ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब कोरोना के नए मरीज न मिले हों। सोनीपत में अब 100 से ज्यादा कोरोना के केस हो चुके हैं। झज्जर जिले का बहादुरगढ़ कोरोना का हॉटस्पॉट जोन बन चुका है। झज्जर में मरीजों का आंकड़ा 80 के पार चला गया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर केस बहादुरगढ़ के हैं। 9 नए मामलों के बाद अकेले बहादुरगढ़ में कोरोना के 70 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। जिले में जो हमारे पेंडिंग सैंपल थे उनमें से कुछ की रिपोर्ट आई है और 9 उसमें पॉजिटिव आए हैं। कुल मिलाकर संख्या हमारी 83 पर पहुंच गई है। ये लेकिन जो 9 रिपोर्ट आई है तकरीबन वही लोग हैं जिनके परिवार में पहले से ही पॉजिटिव है और जो एडमिट है। एक ही परिवार के 3 सदस्य आए हैं, एक सब्जी का काम करता है वो आए हैं, तो तकरीबन वो लोग हैं जो सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं या जिनकी
दिल्ली से कोई हिस्ट्री है, जिस तरीके से डायलिसिस का मरीज है वो दिल्ली अस्पताल में गुड़गांव अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए जाता है, डायलिसिस से पहले उनकी प्रीरिक्विजिट के अनुसार उसका जांच कराएगी, वो पॉजिटिव आए। भिवानी के विद्यानगर में कोरोना के 3 नए मामले आए हैं। नए मरीजों में एक 11 साल का लड़का, एक 15 साल की लड़की और एक करीब 42 साल का शख्स सामने। हालात अभी भी स्थिर बने हुए हैं, अभी उनका इलाज जारी है, हमारे जो फिजिशियन है वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। सर, ये जानकारी मिली कि स्वास्थ्य विभाग जिन लोगों से उनका मुलाकात हुई है उन लोगों को भी जांच करेगा? उन लोगों बिल्कुल, हमने जो जो कल उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया था, हमने उनके मिल्क मैन को अभी एक बार्बर के पास भी शेव करवाने गया, उसकी भी सैंपलिंग करवा रहे हैं, और जहाँ पे अपने बच्चे को 6 और 8 तारीख को भी एक एंटी सर्जन के पास चेकअप करवाया, उनकी भी हम सैंपलिंग करवा रहे हैं। अगर सिर्फ हरियाणा की बात करें तो कोरोना पिछले 10 दिनों में तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना का आंकड़ा यहां 700 के पार हो गया है। रिकवरी रेट लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ दिन पहले हरियाणा का रिकवरी रेट 70% के पार था, जो गिरकर के 42% तक चला गया है, जबकि मरीजों की दोगुने होने की रफ्तार पहले 21 दिन थी, जो गिरकर सिर्फ 10 दिन रह गई है। देश की बात करें तो रिकवरी रेट में सुधार तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। कोरोना को देखते हुए पूरा देश लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में थोड़ी सी छूट दे दी गई है, तो दूसरी तरफ रेलवे भी अपनी सेवाएं फिर से बहाल कर रहा है, और इसी के तहत 12 मई को स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में छूट और ऊपर से रेल सेवा बहाल करने का फैसला थोड़ा परेशान करने वाला है, क्योंकि जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कोरोना का संकट और बढ़ेगा। अब जरूरत है सावधान रहने की, खुद से खुद का बचाव करने की, सोशल डिस्टेंसिंग को जीवन का हिस्सा बनाए, तभी इस जंग को जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं कि जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या ये बहुत ज्यादा भयावह और डरावने हैं? आने वाला वक्त कैसा हो सकता है? जो फैसले किए हैं सरकार ने, क्या उस पर फिर से कंसिडर करने की जरूरत है? और क्या इन सब से ऊपर हमको और आपको ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और आदत डाल लेने की जरूरत है कि अब कोरोना के साथ ही जिंदगी जीनी है? मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर नेहा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, और प्रदीप नरूला साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, पहले आपसे शुरू करेंगे। जिस तेजी से आंकड़े बढ़े हैं, कल तो अगर 24 घंटे की बात करें तो रिकॉर्ड तेजी आई है और आंकड़े बहुत तेजी से लाख के नजदीक की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि सरकार ने जो छूट दी है, जो राहत, जो रियायत दी है, इस पर से फिर से सोचने की जरूरत है? देखिए गौरव, जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हम बार बार पहले से भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जिस हिसाब से टेस्टिंग रेट बढ़ रहा है, टेस्टिंग संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम 14,000 और 15,000 टेस्टिंग कर रहे थे और आज हम 75,000 पर पहुंच गए हैं, तो उसी हिसाब से आंकड़े भी बढ़ेंगे, निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले दो लॉकडाउन में, ये तीसरा लॉकडाउन है, 3.0 है, पिछले दो लॉकडाउन में हमने चीज़ें देखी कि किस तरह से वो लोग, वो मजदूर या वो कामकाजी लोग जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, दूसरे प्रदेशों को किस तरह से उनकी उत्तेजना थी कि वो अपने घर पहुंच जाएं, अपने यहाँ पहुंच जाएं, और मुझे लगता है कि शायद सरकार की अगले बड़े लॉकडाउन की तैयारी है ये, शायद मेरा अनुमान पहले है। सबको घर भेज दो, हाँ, लॉक करो। मेरा अनुमान है कि जो लोग, जो पैनिक पिछले दो लॉकडाउन में हुआ, जो चीजें हुई, वो अगले लॉकडाउन में ऐसी स्थिति ना आए, तो आप पहले जो जो इच्छुक हैं, जो जो बिल्कुल उत्सुक हैं अपने घर जाने के, तो हो सकता है कि पहले उन्हें भेजने की तैयारी हो, फिर अगले लॉकडाउन की तैयारी हो। और ये बात ठीक है, जब इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, ये बात भी ठीक है, तो हमें बचाव के साधन अपनाकर
दिनचर्या भी अपनी वही अपनानी होगी, धीरे धीरे हमें रोजमर्रा की चीजों पे आना होगा, आदत डाल लेनी होगी, आदत डाल लेनी होगी, वो चीज भी ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, जिस तरफ जो चीजें मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं भविष्य देख रहा हूँ, कि शायद कोई बड़े लॉकडाउन की तैयारी है उन लोगों को वापस घर भेजने के बाद। ठीक है, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, क्या आपका भी यही मानना है कि एक बार फिर से बड़े लॉकडाउन की जरूरत है? लेकिन ये जो पैनिक वाले लोग हैं, मजदूर हैं, या सिर्फ पैनिक का क्यों कहें, जिनकी मजबूरी है, उनको पहले उनके अपने घर पहुंचा दो, फिर करो लॉकडाउन। देखिए गौरव, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण विश्व में आया है, जब से तब से किसी भी विश्व को अभी ठीक से नहीं मालूम है कि कैसे इससे लड़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। और ये एक डायनेमिक कंडीशन है, यानी कि हर रोज परिस्थितियां बदलती हैं और उस हिसाब से आपको आगे के डिसीजंस लेने होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे हम इस लड़ाई को जीतें। और शुरू से जब से भारत ने इस लड़ाई को शुरू करा है, तब से हम लोग जो है उसी हिसाब से चल रहे हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां आई, जब इस तरह की परिस्थिति की कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़े तो कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया। और जैसे जैसे स्थितियां बदली, वैसे वैसे हमने देखा कि तीसरे चरण में रिलैक्सेशंस भी दिए गए। और अब जिस तरह का बदलाव हम देख रहे हैं कि रेलवे की सर्विसेज बहाल हो रही है, माइग्रेंट्स को वापस उनके घर भेजा जा रहा है, तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मुझे लग रहा है उन सबको आंक करके, उनका आकलन करके उस हिसाब से डिसीजंस लिए जा रहे हैं। क्योंकि बाकी चीजें भी चलानी है और लोगों को सुरक्षित भी रखना है, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो सब चीजों को परिपेक्ष में लेकर उस तरह से एक ये इवॉल्विंग कंडीशन है, यानी कि रोज रोज हमारी स्थितियां बदल रही हैं। अगर हम देखें तो कुछ खास बातें हैं जो अब सामने आई हैं गौरव, उनमें से देखिए सबसे पहली बात है कि हमारा रिकवरी रेट अगर पूरे देश का देखें, अलग अलग प्रदेशों का नहीं देखें, तो हमारा वो निरंतर अच्छा बेहतर हो रहा है, पहले से और भी ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। जो हमारे यहाँ अभी तक संक्रमित मामले आए हैं, उसमें से जो 82% मामले हैं वो बड़े बुजुर्गों में और इस तरह के लोगों में आए जो पहले से पीड़ित थे। तो एक ये वर्ग है जिसको अगर हम अलग करके, इसको अगर हम सुरक्षित करके चलें, तो लगता है कि शायद आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम के लिए बाहर निकल सकते हैं। और भारत की खास बात यह भी है कि भारत में जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और बड़े बुजुर्गों की पॉपुलेशन कम है। एक और जो अच्छी बात सामने आई है वो ये है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट भी सामने आई है कि भारत के जो मेरे ख्याल से इस वक्त 62% जो मामले हैं, वो उन्होंने बोला है कि 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से आए, और उसमें से भी अगर हम राज्यों में उन्हें बांटे तो 5 राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु। ये 5 राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा केस सामने है। तो अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी स्ट्रैटेजी बदल रही है, प्रशासन भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही है कि क्या हम इन स्टेट्स पर और इन जगहों पर ज्यादा फोकस करें जहां से पूरे भारत के सबसे ज्यादा सर्वाधिक केस हैं, इसकी बजाय कि हम पूरे भारत को लॉकडाउन रखें, इसकी बजाय कि हम सब जगह का काम रोक दें। तो अब जैसे आप देख रहे हैं समय के साथ साथ इन सब चीजों में परिवर्तन आ रहा है, नीतियों में परिवर्तन आ रहा है, और ये करते भी रहना पड़ेगा। आगे हम एक बड़े लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या आगे हम धीरे धीरे और सब कुछ खोलते जाएंगे, ये आज कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोज रोज परिस्थितियां बदल रही हैं। फिलहाल तो हम लोग रोज रोज नए आयाम छूते हुए देख रहे हैं कि अब पहले 3,000, 3,500, अब 4,000 केस एक दिन में पॉजिटिव आ रहे हैं। स्थिति गंभीर है, लेकिन वहीं चीजों को खोला भी जा रहा है, रिलैक्सेशंस भी दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप बाकी देशों को भी देखें, देखिए ब्रिटेन को देखते हैं, ब्रिटेन में, जी हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन को अगर आप देखें गौरव, तो वहां पर अब 30,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन का नंबर ही आता है जहां सबसे ज्यादा मृत्यु है। लेकिन ब्रिटेन में भी कल उन्होंने बोला है कि लोग बाहर निकल सकते हैं, पार्कों में जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं काम में। तो हर देश इस वक्त ये कोशिश करने की कर रहा है कि कैसे लोगों को सुरक्षित भी रखे और लोगों के काम भी चलते रहे, क्योंकि जो आर्थिक मार पड़ रही है, दोबारा काम करने की कहीं कोशिश तो नहीं कर रहा है डॉक्टर नेहा? डॉक्टर नेहा सुन पा रही हैं आप? मेरे ख्याल से इस समय सभी का, हाँ मैं सुन पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं? जी जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ
बोलिए डॉक्टर नेहाओ। जी डॉक्टर नेहा, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। काफी लोगों को जितनी से इकोनॉमी वैसे धीरे धीरे जिस तरह से हम उसको खोल सके धीरे धीरे, वो सबसे ज्यादा वो जरूरी भी है, सबसे ज्यादा वो जरूरी भी है इन द लॉन्ग रन। सो ये है कि हाँ, जो अभी इस समय जो हमारे, जैसे कि डॉक्टर स्वाति ने भी बोला कि महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों क्षेत्रों में और खासकर पांच राज्यों को मिला के महाराष्ट्र और गुजरात में ही 45% ऑफ द टोटल केसेस है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जरूरी है कि रेड जोन से लोग ग्रीन जोन में ना जाए, और इसके अलावा सबसे ज्यादा ये भी जरूरी है कि हाँ, जो यंग लोग हैं, लाइक यू नो, इनफैक्ट जो ICMR का डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि 70% लोग जिनको भी कोविड। डॉक्टर नेहा की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच एक और कोरोना वॉरियर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, SDM है तो शाम के संदीप कुमार जी, और ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स में से प्रशासनिक अधिकारी भी इस वक्त हैं। संदीप जी, पहले तो शुक्रिया आपने वक्त दिया, जुड़े आप हमारे साथ इस चर्चा में। संदीप जी, ऐसा क्या है कि हम देखते हैं हर रोज कुछ अधिकारी हैं जो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, इस पूरे कोरोना की लड़ाई के दौरान हर रोज सुर्खियों में रहते हैं, उनमें से एक आपका भी नाम है। हर रोज कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं राशन पहुंचाना, जो सोशल लोग हैं, NGOs हैं, उनको जोड़ना, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचना, ये क्या एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को करने की जरूरत पड़ रही है अलग से इस वक्त, या आपको लग रहा है ठीक है ये इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब? जो आज जो महामारी है उसकी समस्या इतनी बड़ी है कि लोगों के अंदर डर पैदा है, कोई का भी कोई वैक्सीन नहीं बना है, तो इसके अंदर से सामाजिक दूरी ही उसका अब सभी जो उपाय है, और इसको करवाने के लिए प्रशासन सबके लिए और नदी भी दोनों रूप अपनाता है। और आज देखिए कि पूरे भारत में 4,000 के पार जो आंकड़ा गया है, जिससे ये भी है बिल्डिंग है, और आज इसको देखते हुए मैंने DSP और दूसरे विभागों की जो मीटिंग बुलाई है, और अब और ज़्यादा सख्ती प्रशासन के द्वारा की जाए उनके सामने। पहले हमारे यहाँ पर एक कंडुआ नामक गाँव में एक केस था, उस समय लोगों के अंदर जो है बिल्कुल था के बैठ था, और इसके बाद जब उसके रिकॉर्ड नेगेटिव आए तो उसके बाद लोगों ने एक पूरे तौर पर निंदा शुरू कर दिया, और जो लॉकडाउन की जो पालना थी उसके तौर पर अनदेखा कर दिया। लेकिन अब दिवाली के अंदर तीन छोटी छोटी में तो फिर से प्रशासन के साथियों में एक डर पैदा है, और आज मेरे लिए पालन देखा तो अब मैंने तुरंत पर जाओ तो मीटिंग लेकर और भी ज़्यादा सख्ती करने का निर्देश दिया है। ये चिंता का विषय है, जो मुझे आप दो से 4,000 से ज़्यादा मेरे भाग लगती है। ठीक है संदीप जी, सबसे बड़ी चुनौतियां क्या फेस की इस दौरान? अब तो चलो रिलैक्सेशन है, अब तो घर भेजने की तैयारी है, जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उस पर हम बाद में आएगा, लेकिन अब तक सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आप लोगों ने महसूस की? वो एक मजबूती होता है,
कोई कहता है मुझे घर जाना है, मुझे बस इतने आपको खाना वाना सब मिल गया, लेकिन मुझे बस घर जाना है। कोई कहता है कि ये हमारे घर पर किसी की डेथ हुई है, किसी भी कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी, तो हम लोग उनको जो हम लोग हमारे सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए अभी है, लेकिन उसके बाद जो हम उनकी जो व्यवस्था की है सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, ये भी एक तरह कदम है। और अब कुछ मजदूर जो प्रवासी मजदूर है ये खुद आकर कह रहे हैं कि हमें काम के बाद जो हम अपने प्रदेश में नहीं रोकना चाहते, तो ये वो गरीब है हमारे लिए। ठीक है, आप हमारे साथ चर्चा में बने रहिएगा। प्रदीप जी, जी एक तो आप कह रहे हैं कि आपको ये उम्मीद है कि चलो हो सकता है सबको घर भेजने के बाद लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि ये लोग जो घर जा रहे हैं उन इलाकों में जहां कोरोना के संक्रमण कम है या सुदूर इलाके जहां कोरोना के संक्रमण नहीं है वहां नहीं पहुंचे। हम देख रहे हैं लोगों को भेजा जा रहा है ट्रेन से बसेस से, लेकिन सिर्फ थर्मल स्कैनिंग करके भेज देना या आप डॉक्टर के बाहर लाइन लगवा दे रहे हैं, वो जा रहे हैं डॉक्टर से लिखवा के लेके आ रहे हैं, ये कितना खतरनाक है। देखिए गौरव, पहले तो मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि भेजा जा रहा है, वो जा रहे हैं, परिस्थितियों तो ऐसे ही बना दी है ना। नहीं नहीं, वो जा रहे हैं। देखिए अभी भी सरकारें प्रशासन इन लोगों को रोकने के कदम उठा रहा है कि किस तरीके से रोकें, क्योंकि देखिए हर जगह इसके बाद जो लेबर क्राइसिस आना है वो बहुत बड़ा क्राइसिस होना, तो इसलिए कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन नहीं चाहता कि ये लोग वापस जाएं। जहां जा रहे हैं वहां के डिप्टी सीएम भी यही कह रहे हैं कि परिस्थितियां ठीक हो रही हैं, वहां लोग रुक रहे हैं। तो देख बात ये है कि ये बात इस पे पहले भी चर्चा हो चुकी है यहीं इसी चैनल पे ही, कि उनका प्रॉपर चेकअप यहां भी होना चाहिए और जहां वो जा रहे हैं वहां भी होना चाहिए। क्वारंटाइन तो वो हो ही हो, लेकिन कम से कम दोनों जगह चेकअप भी हो। तो ये बात ठीक है कि जरूरत है कि सरकारें या प्रशासन, जब अभी एसडीएम संदीप कुमार कह रहे थे कि अब लोग रुकने लगे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ना जाएं, क्योंकि उसके बाद अगर स्थिति सामान्य हुई तो इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप लोग वो वर्कर कहाँ से लाएंगे जो वर्कर वापस चले गए? तो मेरा मानना ये है कि स्थितियाँ, ये जितने भी लोग जा रहे हैं ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कोई भी सरकार किसी भी प्रदेश की सरकार इन्हें भेजने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि देर सवेर ये सारी स्थितियां सामान्य होनी है और सामान्य होने के बाद इनकी जरूरत पड़नी है। वापिस आना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा सा वक्त लग जाएगा सब चीजें। हाँ, क्योंकि वापस ट्रेन कब शुरू होगी, बसेस कब शुरू होंगी, तो इसलिए मेरा मानना ये है कि स्थितियां सामान्य करने के लिए सबसे बड़ा कदम ये उठाना चाहिए प्रशासन को कि इन लोगों को सुविधाएं दें और यहीं पर रोकें। अगर इन्हें समझाया जाए, अगर इन्हें सुविधाएं दे दें कि आप इनको इनके हित के बारे में सोचें, ये लोग भी जा रहे हैं तो कुछ बहुत सारे लोग मजबूरी में जा रहे हैं क्योंकि अब उनके पास काम नहीं है, अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने की जगह नहीं, काम नहीं है, तो वो ऑब्वियसली सब लोग किराए पर नहीं होती, तो हजारों हजार किलोमीटर खाली पैर, चप्पल भी नहीं है, पैदल जा रहे हैं लोग, मजबूरी नहीं होती तो शायद ही इतना कोई परेशान होता। तो और निस्संदेह लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी होंगी कि ये जो लोग वापस जा रहे हैं अपने प्रदेश वो जाना रुक जाए। ठीक है, डॉक्टर नेहा गुप्ता हैं हमारे साथ, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, उनको हम दोबारा छोड़ेंगे। डॉक्टर स्वाति हैं हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति, आम लोगों की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त आप महसूस करते हैं? ठीक है आज नहीं तो कल, क्योंकि कोरोना की दवाई मिली नहीं है, वैक्सीन नहीं है और इकोनॉमी पूरी तरह से आप लॉकडाउन रख नहीं सकते हैं बहुत लंबे समय तक, ऐसे में रियायत राहत मिलेगी, चीजें खुलेंगी ही, आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है ऐसे में?
देखिए सारा दामोदर हमारे ऊपर ही आ जाता है ऐसे में, क्योंकि हम ही चाहते हैं, हम लोगों को समझ में आ रही है ये बात कि लॉकडाउन कितना जरूरी है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, और साथ ही में जीविका कमाने के लिए बाहर निकलना भी एक मजबूरी है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, जिसको हम ये नहीं बोल सकते कि इसके बिना काम चल जाएगा। तो जब हमें मालूम है कि दोनों ही चीजें करनी है, एक तरफ हमें बाहर भी निकलना है, एक तरफ हमें खुद को सुरक्षित भी रखना है कि हम संक्रमित ना हो, हमारा परिवार संक्रमित ना हो, तो ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जितनी भी बातें हमें बताई गई हैं, जो बार बार मीडिया कोशिश करके, देखिए आपने चैनल के द्वारा कितनी सारी बातें लोगों तक बताई हैं, उन तक पहुंचाई हैं कि किस तरह से अपनी सुरक्षा करें, किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, कितना बड़ा ये खतरा है और किस तरह से ये खतरनाक हो जाती है परिस्थितियां, तो अब लोगों को ये बातें तो उन तक पहुंच गई हैं, अब जरूरी है कि वो इनका पालन करें, अब जरूरी है कि वो इन सब बातों को ध्यान रखें, और जब भी बाहर निकले तो ये नहीं सोचें कि हम अगर इन चीजों का पालन, मतलब इनको आसान ऐसे हल्के में ना लें कि नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा काम, ऐसे ना सोचें। तो अब बहुत ज्यादा जरूरत होगी ऐसे में और भी ज्यादा सतर्क रहने की, और भी ज्यादा जो है इन बातों का पालन करने की जरूरत होगी। और देखिए सारे देश यही कर रहे हैं इस वक्त गौरव, केवल ब्रिटेन ही नहीं, बाकी जितने भी देश हैं हर किसी को यही करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आने वाले एक दो महीनों में तो हरगिज कोई भी वैक्सीन नहीं आ रही, वैक्सीन को के ट्रायल्स खूब चल रहे हैं और अच्छी उम्मीद भरी खबरें भी आ रही है, लेकिन फिर भी उस वैक्सीन को हम तक पहुंचने में आगे अभी और 8-10 महीने लगने हैं। जब हमें पता है कि 8-10 महीने वैक्सीन को आने में लगेंगे, इधर इसका कहर भी नहीं थम रहा है और हम इतने महीने के लिए अंदर भी नहीं रह सकते, तो ऐसे में जरूर हम सबके ऊपर जो है उत्तरदायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और भी ज्यादा हम सब लोगों को बाहर भी निकलना है और बातों का ध्यान भी रखना है। ठीक है, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहाँ रुकना होगा, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ठीक है सरकारों की मजबूरी है कि इकोनॉमी को पटरी पर बनाए रखने के लिए कुछ चीजें खोलनी पड़ेंगी ही, लेकिन इसमें जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है, क्या सब कुछ सरकार को और प्रशासन को ही करना है, हमारा और आपका कोई दायित्व है या नहीं है, अगर है तो क्या है, उस पर करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उसी पॉइंट से जहां हम ब्रेक पर गए थे। स्वाति जी इस पर अपना पक्ष रख रही थी, संदीप जी आप फील्ड में हैं, आप एसडीएम हैं, आप प्रशासनिक अमले में हैं, तो क्या आपको भी ये महसूस होता है कि भाई बहुत समय तक बंद करके तो रख नहीं सकते हैं, सारी चीजें लॉकडाउन तो हो नहीं सकती हैं, ऐसे में सरकार की भी मजबूरी है कि चीजें खुलेंगी, क्या आम आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, सब्जी वाले की, किराना वाले की, दूध वाले की, ग्राहक की, जो वर्कर जा रहा है फैक्ट्रीज में काम करने, वह या कोई भी जो बाहर निकल रहा है उसकी जिम्मेदारी क्या बढ़ जाती है कि हमको इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखिए, हैंड सैनिटाइज करने का ख्याल रखिए। बिल्कुल गौरव जी, आप ये देखिए कि ये सिर्फ प्रशासन की एक जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है कि सामाजिक दूरी बना के रखे, और सैनिटाइजर है, मास्क है, तो ये सारी ग्लव्स है, तो ये सारी व्यवस्था तो एक प्रत्येक आम नागरिक का दायित्व है। अब जैसे सैलून को देख लीजिए, ब्यूटी पार्लर को देख लीजिए, सैलूनों में बिना हम कैसे सामाजिक दूरी को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा सामाजिक दूरी के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये प्रशासन के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वो भी सामाजिक दूरी बनाए रखे, और सैनिटाइजर है, फिर जो आप ये चैनल से न्यूज से जो सावधानियां बताते हैं, डॉक्टर्स की जो राय होती है, तो सभी लोगों को इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस महामारी से निजात पा सकेंगे। गौरव जी, तो शाम में आम लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्या आपको लगता है कि आम आदमी जो है
जो घर का बड़ा है या घर में जो बच्चे हैं जो जागरूक हैं, जिनको मोबाइल से न्यूज से इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, वो अपने लोगों को कितना जागरूक कर रहे हैं और लोगों का कितना सपोर्ट मिल पा रहा है आपको? गौरव जी, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, दुकानदारों की, यहाँ पे जो सब्जी मंडी है और जो किराने की दुकानें हैं, सब मास्क लगा के जो दुकानदार हैं, जो ग्राहकों को सामान दे रहे हैं, उनको साथ के साथ उनको ये जागरूक भी कर रहे हैं कि आप भी अपने गांव में जाओ तो मास्क लेके जाओ, अपने घरों में रहिए, जब कोई कोई जरूरी ही कोई काम है तो आप बाहर निकलिए, अन्यथा आप घरों में रहे, और सब जो भी है अपने घर में ही रहकर आप अपना जो स्टडी करनी है ऑनलाइन, जो हमारी जो मतलब हरियाणा सरकार ने जो क्लासेस की सुविधा दी है, तो आप उन पे अपना एजुकेशन की वो ग्रहण कीजिए। ठीक है, नरूला साहब जी, आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बढ़ जाती है कि आपको खुद ही अपने जान की कीमत, अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य की कीमत समझनी पड़ेगी। ठीक है, लॉकडाउन है, इकोनॉमी पटरी पर लाना है, आप बाहर निकल रहे हैं काम करने के लिए जा रहे हैं, आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको अपनी जान प्यारी है, तो मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और बच के रहिए। देखिए गौरव, जान अपनी है इसलिए जिम्मेवारी भी अपनी बनती है। ये ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें बार बार सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा बताई जा रही हैं, लेकिन जब जान अपनी है तो एक बार बताना ही काफ़ी है, और जिस तरह के कदम सरकारें उठा रही हैं, जिस तरह के बार बार आगाह कर रही हैं, इंफॉर्मेशन दे रही हैं, वही बहुत है। ये सामाजिक जिम्मेदारी है हर आदमी की, ये दायित्व बनता है कि अगर मेरा पड़ोसी या मेरा साथ का या मेरी गली वाला या मेरा समाज का कोई आदमी लापरवाही बरतता है तो तुरंत उसे टोकें। आप तो करें ही, पर तुरंत उसे टोकें और लापरवाही ना होने दें। ये बात ठीक है कि आप दूसरे को टोकेंगे उसे बुरा लगेगा, लेकिन आज के टाइम में हम टोक रहे हैं उसको उसकी जान के लिए। आप ये जो बोल रहे हैं इसमें मुझे याद आ गया, अभी अभी थोड़ी देर पहले ये डिबेट शुरू होने से पहले तो मैं थोड़ा सा फ्री था, उस दौरान मैं व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहा था। मेरे मेरे गांव के बगल वाले गांव में एक शहीद हुए हैं, संतोष मिश्रा साहब, अभी सेना में थे, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे गांव में भी शाम को लोग मोमबत्ती जलाकर अपने अपने घरों के बाहर एक ह्यूमन चेन लोगों ने बनाई। उसी कुछ तस्वीरें मेरे से जुड़े हुए जो रिलेटिव्स हैं, मेरे घर के लोग जो हैं, मैंने उनमें देखा, और जिसको जिसको मैंने देखा कि मास्क नहीं लगाया है, मैंने उसको उसी समय उस स्टेटस पे एक रिप्लाई किया, बाकी सब तो ठीक है, आप नमन करिए, श्रद्धांजलि दीजिए, मास्क क्यों नहीं लगा रखा है। ज्यादातर लोगों ने सॉरी बोला वापस। बिल्कुल गौरव, वही बात है कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई हमारे समाज का आदमी लापरवाही करता हुआ पाया जाता है, ऐसा नहीं है हर समाज में जाहिल लोग हैं, हर समाज में लापरवाह भी हैं, लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। इतने दिन के बाद तीसरे लॉकडाउन में इस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं कि धीरे धीरे 4,000 से 5,000 की तरफ बढ़ रहे हैं रोजाना के, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अगर आप बार बार उन्हें टोकेंगे, बार बार उन्हें आगाह करेंगे, तो शायद फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं, प्रशासन की जिम्मेवारी है कि चीज़ों को ऑनलाइन करना, चीज़ों को तय करना, चीज़ों का अभाव ना हो, बाकी जिम्मेवारी तो हमारी अपनी है। और तब जब हम अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो कोरोना की चेन को तभी तोड़ पाएंगे। अब जरूरत है कोरोना की चेन, ये कोरोना होना बड़ी बात नहीं है, कोरोना की चेन हो जाना बड़ी बात है। अब कोरोना होता है ठीक है, वायरस है, आ गया किसी में, लेकिन वो आगे चेन ना बनने पाए उसे तोड़ना है, तभी हम बच पाएंगे, क्योंकि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए चेन तोड़ने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें जिम्मेवार होना पड़ेगा और हर आदमी को टोकना पड़ेगा कि ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर स्वाति, क्या आपको ये महसूस होता है कि अब हमको कोरोना के साथ जी लेना सीख लेना चाहिए, और जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें थी उनको अब बदलने, हमारे लाइफस्टाइल में जो चीजें थी उनको बदलने का वक्त आ गया है। हम पहले फंक्शंस करते थे तो हजारों की जितनी ज्यादा भीड़ बुलाई उतना शान है हमारे लिए, अब ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है भी तो क्लोज फंक्शन करिए, सिर्फ फैमिली वाले लोग आए, बस हो गया।
बिल्कुल सही बात है गौरव, और अब शायद ये सभी चीजें मोबाइल के थ्रू वर्चुअल कनेक्शन ज्यादा होंगे, शायद पार्टी में अगर आप शरीक होना चाहते हैं तो अपने घर बैठे ही शायद शरीक होना पड़ेगा। अब काफी सारे चेंजेस आएंगे। एक जरूरी बात यहाँ ये भी है कि अच्छी बात यह है कि भारत में ज्यादातर जितने भी किस्से अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के हुए हैं वो माइल्ड केसेस हैं, यानी कि ज्यादातर लोगों में बीमारी अपने आप से ठीक हुई है और ज्यादातर लोगों को आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, एक अच्छी बात है। तो इसी के साथ साथ अब ये है कि अब हमें जीना सीखना ही होगा, तो हमें अब अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। जिस तरह से पहले शादी ब्याह होते थे, जिस तरह से पहले हम लोग भीड़ में जाते थे, धार्मिक स्थानों पर भी कितनी ज्यादा भीड़ लगती थी, हर जगह हमने भीड़ ही भीड़ ज्यादातर देखी है। अब वो सब चीजों में बदलाव आएगा, हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा, जहां हम जा रहे हैं वहां उन जगहों पर अब हम बदलाव देखेंगे। तो ये तो अब डेफिनेटली गौरव मंजर जो बदलने वाले तो हैं ही, और जैसे पहले हमारा जीवन था काफी कुछ मुझे लगता है कि शायद हम वापस उसी की तरफ जा रहे हैं जहां इतना ज्यादा शानो शौकत में हम लोग अपना पैसा जो अब लगाने लग गए थे वो सब अब मुझे लगता है जरूर डेफिनेटली कट डाउन होगा। और लोग जो इस चीज में आ गए थे कि चाहे हो कम दिखाना ज्यादा है, तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब खत्म होगा, लोग उससे अब वापस उसकी तरफ जाएंगे कि सिंपल लिविंग करें और जितने लोग हैं कम लोगों में ही अपनी खुशी को शरीक करें और खुश हों। ये कोरोना का पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट है। एसडीएम साहब संदीप जी, आपको भी लगता है कि लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा फिलहाल, और बहुत सारी आदतें बदलनी पड़ेंगी। पार्टी करने में जितने लोग आए उतना बड़ा आदमी और उतनी शान ज्यादा, ये सब भूल के अगर फंक्शन करना है तो फैमिली के लोग जुटाओ, शांति से फंक्शन करो और बस। हाँ जी गौरव, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि जो शादियां हैं यहाँ पे तोसाम में, जो ग्रामीण परिवेश या तोसाम की बात करते हैं, तो मुश्किल से 4 से 5 जो आदमी शादियों में शामिल होते हैं, तो ये तो दिखावटी जीवन तो अब नहीं चलने वाला, तो अब तो इसके साथ तो जीना पड़ेगा। जब तक हालात नहीं सुधरते तो ये एक सच्चाई है। ठीक है, अब आपके पास भी एसडीएम जब हो जाता है कोई या कोई बड़ा ऑफिसर होता है तो शादियों के सीजन में कार्ड्स बहुत आते हैं और कई बार बहुत सारी शादियां अटेंड करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कम अटेंड करनी पड़े। नरुला साहब एक बात बताइए कि क्या इसके बाद हम लोगों को अपने ट्रेन बसेस ट्रांसपोर्टेशन में भी क्रांतिकारी सुधार करने की जरूरत पड़ेगी? क्या पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें बदलाव हम देखने वाले आने वाले टाइम में? देखिए गौरव, हमारी एक मनोवृत्ति है इंडियंस की कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो आप जब सुधार की बात कर रहे हैं उसकी गुंजाइश मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। जैसे ही वायरस का कोई वैक्सीन आएगी और इस पे काबू पाया जाएगा तो स्थितियाँ फिर अपने देश में तो स्थितियाँ वैसी ही हो जाएंगी, क्योंकि हम आदत है बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाई को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ तो इस परिपेक्ष में कोई बहुत बड़ा, जब तक वैक्सीन आता है तब तक क्या आदत सुधर जाए हमारी, ये हम नहीं सोच सकते। अगर 8-10 महीने लगते हैं तो 8-10 महीने में आदत हो जाए कि हम लाइन में लग के जाए, धक्का मुक्की ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, ये हमारी आदत बन जाए। गौरव, अगर हमारी ये आदत ना होती तो सब कुछ बंद ना हुआ होता। ये सब कुछ बंद भी इसी वजह से हुआ है कि हम लोग सुधरने वाले नहीं है। मैं भी उन्हीं में आता हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीजें मैं भी करता हूँ, मैं भी उसी में आता हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और जब विपता आती है तो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं। तो निसंदेह ये बिल्कुल सही है कि परिस्थितियां ठीक है, इस तरह की हो गई हैं, हमें चेंज होना पड़ेगा और चेंज होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखती। ठीक है डॉक्टर स्वाति, क्या आपको लगता है कि ये वक्त है कि अगले 8-10 महीने जब तक वैक्सीन आए, उम्मीद तो ये करते हैं, दुआ ये करते हैं कि जितनी जल्दी आ जाए, लेकिन जितना वक्त लग रहा है उतने में अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें, अपने लाइफस्टाइल में चेंज ले आए, मास्क पहनना सीख लें, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, ये सब सीख लें, ट्रांसपोर्टेशन में हम सीख लें कि इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह लद कर ना जाएं, मेट्रो हो, ट्रेन हो, बसेस हो, ये एक अच्छा मौका भी है।
जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा मौका है जैसे। लेकिन अभी नरला जी ने भी बोला, ये बात सही है, हम लोग बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं और वापस उसी मोड में चले जाते हैं जहां से हम आए थे, और बहुत जल्दी ये ऐसा हो जाता है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी चीज जो अब सामने दिखती है गौरव, वो ये कि अब इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। किस तरह से हम इस तरह के जो चेंजेस हैं उनको हमेशा के लिए कर पाए, ये शायद देखना होगा। तो कहां, जैसे देखिए अभी बात हो रही है कि ट्रेन में एक सीट छोड़ के बैठेंगे, ऐसे ही एरोप्लेन में बात हो रही है कि आप एक सीट छोड़ के एक सीट बैठेंगे, ऐसे में किराया बढ़ जाएगा, ऐसे में जो है लोगों के ऊपर और भी ज्यादा आर्थिक लोड पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब इनोवेशन आना बहुत जरूरी है। किस तरह से कौन सी ऐसी नई तकनीकें लाई जाए जिससे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनकी जेब पर ज्यादा भारी ना पड़े, और वो जैसे पहले ट्रैवल कर रहे थे जितना उनके ऊपर पहले खर्चा आता था उसी खर्चे के साथ कैसे वो ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए जहाँ सिंगल डेकर बस है उसकी जगह डबल डेकर कर दें, इतनी जल्दी नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन ये है कि हाँ इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब ये सब परेशानियां आगे बहुत लेकिन आने वाले समय में अब फिर भी ये सब चीजों की जरूरत तो पड़ेगी गौरव, क्योंकि आज ये हेल्थ इमरजेंसी आई है, तो आने वाले समय में और भी हेल्थ इमरजेंसियां सामने आ सकती हैं, और उसके लिए अब हमें तैयार होना जरूरी है। उसके लिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब और सक्षम होना जरूरी है, उसकी तरफ भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी जीवन में भी अब हर तरह से कई कई नए इनोवेशन आएंगे, जैसे वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये जो एक नई नई चीजें नए आयाम आ रहे हैं, मुझे लग रहा है आने वाले समय में और भी आएंगे, और इनकी जरूरत भी बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, जरूरत सब कुछ कर। देखिए मैं गौरव की बात बताऊं, ये बात बिल्कुल सही है और फैक्ट भी है कि बुरी चीजें, बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, और इस जो भी COVID-19 का जो दौर है इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी नई इनोवेशन सीखी है, बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये समझ लेना कि इन नई चीजों में, ठीक है नई चीजों में जो लोग इसे अडॉप्ट करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो सामान्य तौर पर हमारा जीवन है, मतलब वो लोग जो जिनका तकिया कलाम है हम नहीं सुधरेंगे, वो एक बड़ा तबका जो है उसको सुधरने की जरूरत है। बिल्कुल सुधरने की जरूरत है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत जल्दी हम टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं ला सकते। अभी आपने कहा कि बसेस नहीं है तो डबल डेकर बसेस, लेकिन डबल डेकर बसेस यहाँ तो एक सामान्य बस आने में कई साल लग जाते हैं, और जब, जब वो आए तो समस्याएं इतनी हो जाएगी, हमारी बिजली की तारे सड़कों पर कितनी नीचे तक आ गए, डबल डेकर तो पता नहीं पता चला रोज हादसे हो रहे हैं। खैर, एसडीएम साहब, संदीप जी एक बात बताइए कि आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिलहाल? यहाँ पे तो बस ट्रांसपोर्टेशन तो जैसे प्राइवेट में वैसे देखने को तो बहुत कम मिल रहा है कि जो फोर व्हीलर है उसमें सिर्फ 3 आदमी यहाँ बैठ सकते हैं जो, और बाइक पे सिर्फ 2 हैं, तो अलग अलग नियम है अलग अलग जोन में। तो यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट का तो आज जो लोगों का खान पान, रहन सहन और जो भी है पूरा पूरी रूप से बदल चुका है। आज लोगों के अंदर कोरोना को लेकर इतना भय है कि वो लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे, और जैसे सामाजिक दूरी का गौरव ये भय है, अभी एसडीएम साहब ने कहा, लेकिन जब ये भय दूर होगा तो स्थिति सामान्य होगी, और सामान्य स्थिति में जो था वही होगा। अच्छा, एक मेजर कंसर्न यहाँ नरूरा साहब ये है कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक युवा ये कह रहा है कि अभी तो शराब की दुकानें खुली हैं तो देखो कितने लंबे लंबे लाइनें लग गई। इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना है, लेकिन इसमें टिप्पणी अगली जो है, अभी मेरे भोले का दरबार खुलेगा तो देखना भीड़ कैसी होगी। ऐसे मैसेजेस ना आए, ऐसे लोगों की थिंकिंग ना आए, इस पर भी हमको सोचना होगा समाज को। देखिए मैं आपको बताऊं गौरव, ये सामाजिक बुराई है। मैंने बैठते वक्त एक बहुत ही भद्दे शब्द का इस्तेमाल किया था कि हमारे समाज में जाहिल लोगों की कमी नहीं है, ये वो जाहिल लोग हैं जो इस तरह की टिप्पणियां करके, इस तरह के व्हाट्सएप करके, इस तरह के मैसेज करके ना केवल समाज को खराब करते हैं बल्कि परिस्थितियों को और वातावरण को भी खराब करते हैं।
नहीं, मैं इसलिए इसलिए इस चर्चा में इसको लेके आया, कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हर आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें, इसलिए मैं इसको चर्चा में लेके आया कि आम आदमी को ये समझना होगा कि ऐसी चीजों से दूर रहें। देखिए मैं आपको बताऊं गौरव, शराब खोलना कई कारण और कई उदाहरण हो सकते हैं जो लोग ये खोलना चाहते थे या जो लोग खुलवाना चाहते थे उनके पास। कई लोग तस्करी की बात करते हैं, कई लोग रेवेन्यू की बात करते हैं। मुझे लगता है कि शराब खोलने में पता नहीं सरकारों को जल्दी क्यों थी, ऐसा क्या था कि खोलने वाले भी बहुत जल्दी में थे और खुलवाने वाले भी बहुत जल्दी में थे। मेरे हिसाब से ये कदम अच्छा नहीं था और शायद समाज में जिस जिस शराब को हम चेतावनी देते हैं कि हानिकारक है, आजकल सोशल मीडिया पे हर लोग यही पोस्ट डाल रहा है, जिसके बेवड़ों ने देश की इकोनॉमी को दिया सहारा, बेवड़े ही चला रहे हैं देश की। मेरे ख्याल से ऐसी इकोनॉमी तो अगर ना चले तो अच्छा है, अगर इकोनॉमी इस हालात पे चलती है या इन चीजों पे आगे बढ़ती है तो कोई और साधन खोजे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एसडीएम साहब, ऐसे लोगों को कंट्रोल करना, ऐसी मेंटालिटी को जो स्प्रेड करते हैं जिसका जिक्र किया मैंने एक वीडियो का, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए भी कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कुछ फेक, कुछ गलत, कुछ ऐसे प्रोवोक करने वाली चीजें तो नहीं चल रही, इस पर भी नजर रखना है, बड़ी चुनौती होगी। जी गौरव जी, तो प्रशासन की तो ये जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया को भी अच्छे से देखा जाए, उसकी निगरानी की जाए कि कुछ लोग शरारती तत्व सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट जो भेज देते हैं उससे तो एक समुदाय संप्रदाय के भावना को भी आहत होता है, धर्म भी उस पे विचलित होने का जो है डर है। तो हम पूरा प्रशासन हमेशा सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट वोस्ट है उस पे देखता रहता है, उस पे निगरानी करता रहता है कि कहीं भी किसी भी कोने में कोई ऐसी घटना ना घटे जिसका प्रभाव बुरा पड़े समाज पर। ठीक है स्वाति जी, आखिरी कमेंट आज आपसे, एक डॉक्टर होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, आप इस वक्त लोगों को क्या कहेंगे? ठीक है सरकारें हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं कर सकती है, इकोनॉमी को रन करना है, लोगों को बाहर निकलना होगा, प्रोडक्शन शुरू होगा, खाने के लिए आपको चीजें चाहिए तो प्रोडक्शन चाहिए, आपको पहनने के लिए चाहिए तो प्रोडक्शन चाहिए, बाकी जरूरत के सामान चाहिए तो प्रोडक्शन चाहिए, दफ्तरें खुलेंगे, लेकिन आम लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, लेकिन अपना संयम बना के रखें और बाहर जहां भी निकलें पूरी तरह से सचेत होकर निकलें ताकि आप ये संक्रमण को घर वापस लेकर के ना आए, और जो भी इस तरह के भड़काऊ मैसेजेस हैं, जो भी इस तरह के मैसेजेस आप सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी देखते हैं जो कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको उत्तेजित कर रहा है, उन सब से आप जरूर बचें, उनसे दूर रहें, इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें। अच्छे जैसे हरियाणा न्यूज की तरफ से आपको खबरें मिलती हैं, जिस तरह से प्रशासन आपको खबरें देता है, इनके ऊपर विश्वास रखें और जो यहां पर बातें बताई जा रही हैं उनको फॉलो करें ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और हम लोग जो है वो हालात नहीं देखें जो कि हमने बाकी देशों में देखे, और हम लोग इस समय को पार कर पाए, और इस समय को पार करने के लिए जब तक कि कोई वैक्सीन या दवा नहीं आती, हम सबको एक दूसरे का साथ देना इस वक्त बहुत जरूरी है और इसे एक जन आंदोलन के रूप में ही आगे लेकर के भी जाना है। यहां पर हमारी बात खत्म नहीं होती, अभी हमारी जंग जारी है और इस जंग में सभी का सहयोग चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका एसडीएम साहब, आपका भी शुक्रिया नरूला साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि सरकारों की मजबूरी हो सकती है कि इकॉनमी को पटरी पर बनाए रखने के लिए लॉकडाउन में राहत रियायत दी जाए, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है जिसके लिए आप जान जोखिम में डालें। हाँ, काम पर आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन वहां अगर सावधानी बरतेंगे तो आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने परिवार को भी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।